हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैदा की मीठी पूरी। ये रजब के महीने में बहुत ज्यादा घरों में बनती है। इसमें हम ये आधी कटोरी से थोड़ी ज्यादा सूजी लेंगे। ये हमने एक बड़ी इलायची ली थी, इसको दरदरा कर लिया है। इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। 2 चम्मच हम नारियल का बारूदा लेंगे, इसको भी मैदा में ऐड कर देंगे। तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने 250 ग्राम मैदा ली थी, आप कम बढ़ती अपने हिसाब से ले सकते हो। एक कटोरी हम ये चीनी भर के लेंगे, इसको हमने पहले ही पीस लिया था। इसको भी इसके साथ ही मिक्स कर देते हैं मैदा के। और ये हमने थोड़ा सा घी लिया है, इसको भी हमने ता लिया है। घी को डाल के हम अच्छी तरह मैदा को मिक्स कर लेते हैं। चीनी कम बढ़ती लगे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसमें हम ये थोड़ा सा मावा डालेंगे, मावा से टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा मीठी पूरी का। इसको इस तरीके से बचूर के मैदा के अंदर सभी चीजें हमने मैदा के अंदर अच्छी तरह मिला ली है। अब इसमें हम थोड़ा गुनगुना पानी डाल के मैदा को मिलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना। इस तरीके से धीरे धीरे इसको पानी डाल के मिक्स करते रहेंगे। मैदा हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। इसमें हम एक दो इस तरीके से मुक्की मार देते हैं। पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है। सूखी मैदा लगा के आप मुक्की मार सकते हो। मैदा हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, गुन चुकी है ये। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधे घंटे के बाद हम इसकी पूरी बनाना शुरू करेंगे। आधे घंटे के लिए इसको इस तरीके से ढक के रख देते हैं। आप चाहो तो किसी पन्नी में भी डाल के रख सकते हो। आधे घंटे के बाद देखेंगे। आधा घंटा हो चुका है हमारी मैदा को रखे हुए। इसको एक दफा खोल के देख लेते हैं। अब इसके हमें इस तरीके से पेड़े तोड़ने हैं। हल्का तेल लगा लगा के पेड़े बनाने हैं। हल्का हल्का तेल लगाना है बेलन पे भी, और इसको इस तरीके से रोटी की तरह बेल लेना है। मैदा को हमने रोटी की तरह बेल लिया है। अब इसको हम कटर से इस तरीके से काटेंगे। आप चाहो तो गिलास से भी काट सकते हो। सभी मीठी पूरी हमने काट ली है। अब इसको इस तरीके से ये निकाल लेते हैं। सभी पूरी को हमने काट लिया है। तेल हमने पहले से कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको तेल में डालते हैं पूरियों को। तेल को देख लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसको ना तेज करना है ना हल्का, मीडियम रखना है। इसमें हम ये मीठी पूरी डाल देते हैं। आपको छोटी लगे तो आप बड़े साइज की भी बना सकते हो। सभी पूरी हमने तेल के अंदर डाल दी है। अब इनको हम फ्राई होने देते हैं। पूरी हमने तेल में डाल दी है, इसको फ्राई होने देते हैं। पूरी डालने के बाद गैस फुल आंच पे रखना है, सिलो पे नहीं। तो इस तरीके से पलट देनी है। खस्ता मीठी पूरी बन के तैयार होंगी हमारी। पूरी हमारे फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम तेल के अंदर से निकाल लेते हैं। इनको हल्का गोल्डन करना है। दूसरे पेड़े की भी हमने बेल ली है और इसको काट लिया है। अब इसको भी फ्राई कर लेते हैं। इसका भी ये हटाने हैं। ये भी हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। गैस को थोड़ा स्लो कर देते हैं। सभी पूरी हमने डाल दी है। गैस हमारा स्लो ही है, फुल आंच पे नहीं करना है। ये फूली फूली बन रही है, खुद ही ऊपर आ रही है तेल में।
ये इसको थोड़ा फुल आंच पर कर देते हैं और इनको पलट देते हैं। मीठी पूरी हमारी फूल रही है अच्छे से। पूरी को हमने उल्टा पलटा कर लिया है मीठी पूरी को, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये बाकी की पूरी भी हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। इसको हल्के हल्के इस तरीके से कर लेते हैं। तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो रहा है, ऊपर आएंगी ये पूरी हमारी ऊपर आ रही है। इन वाली को हमें मीडियम आंच में सेकनी है, फुल में नहीं, नहीं तो हमारी पूरी अंदर से सिक नहीं पाएंगी। ये अंदर से इसमें से मैदा निकलेगी। ये मीठी पूरी भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इनको भी हम तेल में से निकाल लेते हैं। तभी मीठी पूरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल हमने करारी करके बनाई है, ये फूली फूली बनी है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।